मुजफ्फरपुर जिले में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के कई सातिर अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। पेश है मुजफ्फरपुर बिहार से नागमणि की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अहियापुर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से सात अपराधी को हथियार और नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के MKMCH के समीप NH-57 के पास अपराध की योजना बना रहे तीन अपराधी को गांजा और अन्य सामान के साथ धर दबोचा, तो वही दूसरी ओर अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप से भी चार अपराधी को हथियार चरस सहित अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी CT SP राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता करके दी। मुजफ्फरपुर पुलिस खास करके अहियापुर थाने में दिनांक 7 तारीख को और 8 तारीख को दो ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराधकर्मियों की, जो कि सक्रिय लूट करने वाले अपराधकर्मी से हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 तारीख को NH-57 पर राघोपुर जाने वाली सड़क पर सूचना मिली, अहियापुर थाना को सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी यहाँ पे लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष उपाधीक्षक नगर द्वारा रेड किया गया और रेड करके पकड़ा गया। वहाँ से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, कुछ भागने में भी वहाँ पर सफल हो गए। गिरफ्तार लोगों के पास से मोबाइल और कुछ मादक पदार्थ तथा एक टेम्पो की बरामदगी हुई। उन लोगों से पूछताछ में उन लोगों द्वारा खुलासा किया गया कि ये लोग टेम्पो के पैसेंजर को बैठा करके और उनके साथ लूटपाट की घटना, छीन छोड़ की घटना करते हैं। इस तरह से एक अच्छी पुलिस को सफलता मिली है। दूसरी घटना 8 तारीख को पुलिस को पुनः सूचना मिली कि एक स्थान पे कुछ अपराधकर्मी लूट की योजना से जुटे हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा अहियापुर थाने के द्वारा पुनः छापेमारी की गई और मौके वारदात से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 1-2 व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल रहे हैं, जिसकी पहचान हो गई है। उन लोगों के पास से एक लोडेड पिस्तल, देसी पिस्तल और कुछ तत्वजात सामान भी बरामद की गई है। उन लोगों द्वारा जो घटना करने की योजना बनाई गई थी उसका भी पूछताछ के दौरान खुलासा कर दिया गया। इस तरह से दो बड़ी घटनाओं को मुजफ्फरपुर पुलिस को रोकने में सफलता मिली। आपराधिक रिकॉर्ड क्या रही है? कितने अपराधकर्मी टोटल? अभी तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है दोनों थानों में लेकर के, और उनमें से कुछ का आपराधिक इतिहास भी रहा है। 1-2 का अहियापुर थाने में आपराधिक इतिहास रहा है, 1-2 का बाहर के थानों में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सर, किस प्रकार की घटना को अंजाम देने की फिराक में ये सभी? ये तो पहला गिरोह जो है वो टेम्पो में यात्रियों को बैठा करके लूटने वाला गिरोह है जी, और दूसरा जो है वो रोड पे लूट की घटना करने की योजना में था। एक मुर्गा व्यवसायी को ये लोग लूटने की योजना बनाई। सर, पेड़ में पिस्टल, सर क्या मामला है? पेड़ में पिस्टल लुका के रखे बात और लोग द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात में पूछताछ से उन लोगों ने बताया कि हम जो इस घटना में प्रयुक्त करते हैं वो पिस्टल कहाँ पे, और उनके निशानदेही पे पुलिस ने उसको बरामद किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।